दोस्तों आज खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का 37वां मैच, और दोस्तों ये मैच भारतीय टीम और स्कॉटलैंड की टीम के बीच खेला जाएगा। तो ऐसे में ये दोस्तों जानते हैं कि इस मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी, और दोस्तों जानेंगे इस समय ये दोनों ही टीमें पॉइंट टेबल पर कहां पर खड़ी हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, जहां दोस्तों पहले बात करें आज का मैच अबू धाबी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे, जहां दोस्तों भारतीय टीम ने अपने पिछले मैच में अफगानिस्तान की टीम को 66 रनों के बड़े अंतर से हराकर पॉइंट टेबल में एक नंबर की छलांग लगाकर चौथे नंबर पर पहुंच गई है। और दोस्तों भारतीय टीम की माइनस में चल रही रन रेट भी अब प्लस में बदल चुकी है। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम इस मैच में भी स्कॉटलैंड की टीम को काफी बड़े अंतर से हराना चाहेगी, ताकि दोस्तों उनकी रन रेट में सुधार हो सके। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ स्कॉटलैंड की टीम ने अपने तीनों मुकाबले में हार झेली है, और इस वजह से स्कॉटलैंड की टीम पॉइंट टेबल में भी सबसे नीचे है। वहीं दोस्तों अगर भारतीय टीम इस मैच में बड़े अंतर से जीत जाती है तो उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस कई हद तक बढ़ जाएंगे। हालांकि दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को एक मैच में हारना जरूरी होगा, तभी जाकर ये पैतरा काम करेगा। ऐसे में दोस्तों पहले बात करें स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11 की, तो स्कॉटलैंड की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए जॉर्ज मुंसी और काइल कॉटेजर ओपनिंग बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में मैथ्यू क्रॉस, रिची ब्रिंगटन, कॉलियम मैकलैंड, मिचेल लेस्कॉर, क्रिस ग्रेव्स मिडिल ऑर्डर में नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में मार्क वार्ड, जोस डेवली, शोफियान शरीफ और ब्रेड विल स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों अब बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा और केएल राहुल नजर आएंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा मिडिल ऑर्डर में नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों आज के इस बड़े मुकाबले में भारतीय टीम को किसी भी हालत में जीतना जरूरी है, वो भी बड़े अंतर से। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है आज के इस मैच में भारतीय टीम स्कॉटलैंड को कितने बड़े अंतर से हरा पाएगी? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे में दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।